हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहतोयर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ फ्रेंड। और यार बता दूँ, इस बार का जो A8 का रॉयल पास आने वाला है उसके अंदर में गए जहाँ पे एक ऐसा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि लिटरली गए जहाँ पे 3 साल के बाद होने वाला है। और इसके अलावा जहाँ पे बात करें कि BGMI के अंदर इवेंट क्यों नहीं आ रहा और नेक्स्ट कौन सा फ्री इवेंट आप लोग गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और साथ में चैनल में पहली बार आओ दिल से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है यहाँ पे, जैसे पता हो कि आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इन्वेंटरी में जैसे ही लेफ्ट साइड में आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जिससे गाइस यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग अपना गाइस यहाँ पे जो कैरेक्टर रहता है इसका फेस और साथ में जो हेयर स्टाइल रहता है इसको आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और इसमें गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक हेयर स्टाइल है जो कि लिटरली गाइस यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल Season 5 यानी कि बोल सकते हो कि जब आप लोग का न्यू गाइस यहाँ पे पबजी में आया था उस टाइम पे ये देखने को मिला था। और उसके बाद में एक बार भी गाइस यहाँ पे कोई भी हेयर स्टाइल आप लोग का रॉयल पास के अंदर नहीं आया। लेकिन बता दूंगा इसकी फाइनली एक का जो रॉयल पास आने वाला है इसमें कुछ आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा और साथ में जो नेक्स्ट अपडेट है इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो गाइस यहां पे मैं आ चुका हूं बीटा वर्जन 3.3 में। और इसमें जैसे आप लोग इन्वेंटरी में जाएगा तो नीचे में गाइस यहां पे देख सकते हो एक न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया गया जिसमें अब क्या होगा इसकी ये जो फेस वगैरह रहता है ये डायरेक्ट आप लोगों को इन्वेंटरी में यहां पे दिखेगा और आसानी से गाइस यहां पे आप लोग अपने हिसाब से कोई भी फेस को यहां पे चेंज कर सकते हो जो भी आप लोगों का यहां पे अनलॉक होगा। और इसी टाइप से गाइस यहां पे देख सकते हो जो हेयर स्टाइल है ये भी आप लोग डायरेक्ट इन्वेंटरी के थ्रू यहां पे चेंज कर सकते हो। और इसमें गाइस यहां पे देख सकते हो सीजन 5 का तो जो हेयर स्टाइल है ये आप लोग को दिख ही रहा है, लेकिन उसके ठीक नीचे में गाइस यहां पे देख सकते हो एक और गाइस यहां पे आप लोग को हेयर स्टाइल दिख रहा होगा। और इसमें गाइस यहां पे देख सकते हो कुछ भी नाम वगैरह नहीं है और साथ में एक ग्लिच है। तो अभी गाइस यहां पे बात आती है कि कौन सा हेयर स्टाइल है और ये हम लोग को एक्चुअल में कहां पे मिलेगा। तो आइए गाइस यहां पे इसका लीक्स निकल के आ चुका है, तो देख सकते हो गाइस यहां पे आप लोग दिख रहा होगा कि ये गाइस यहां पे A8 का जो रॉयल पास आने वाला है उसी के अंदर में यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे कंप्लीटली जो हेयर स्टाइल का लुक है ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहा हो कि एक्चुअल में यहाँ पे किस टाइप का लुक रहेगा। बाकी अभी गाइस यहाँ पे बात करते कि ये जो हेयर स्टाइल है ये एक्चुअल में गाइस यहाँ पे चलिए A8 का रॉयल पास के अंदर तो आएगा लेकिन ये कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो बता दो गाइस कि अभी तो फिलहाल के लिए कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एक्चुअल में कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें से गाइस यहाँ पे आप लोग पता हो कि दो ही ऑप्शन है, या तो गाइस यहाँ पे जो रैंक वाला रिवार्ड है इसके अंदर में देखने को मिलेगा और इन केस अगर वहां पे नहीं आया तो आप लोगों जो रिडीम शॉप रहता है उसमें देखने को मिलेगा। और मान लीजिए अगर आप लोग रिडीम शॉप के अंदर आता है तब तो आप लोगों को पता होगा इसकी यूसी से इसको लेना पड़ेगा, फ्री में तो गए यहां पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप लोग का रैंक वाला रिवार्ड के अंदर है तो आप लोगों को ये फ्री में मिल जाएगा। तो कमेंट हो गया यहां पे बताएगा कि आपको क्या लगता है कि ये फ्री में मिलेगा या फिर पेड होने वाला है। हालांकि अभी जैसा चल रहा हो सकता है इसके आप लोगों को इसके लिए यूसी यहां पे खर्च करना पड़े। बाकी देखते गए यहां पे कुछ टाइम के बाद जब आप लोग का लीक्स आ जाएगा उसके बाद में पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में फ्री या फिर पेड होगा। बाकी अभी चले गए यहां पे बात करते हैं कि BGMI के अंदर फ्री इवेंट क्यों नहीं आ रहा और कब तक हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो क्या यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ BGMI के इवेंट के अंदर और आप लोग को दिख रहा होगा कि आज भी गए जहाँ पे कोई भी फ्री इवेंट नहीं आया और कल भी गए जहाँ पे कोई भी फ्री इवेंट आप लोग का BGMI के अंदर नहीं था। तो अभी गए जहाँ पे बात आती कि ऐसा गए जहाँ पे क्यों हो रहा है और साथ में हम लोग को जो नेक्स्ट वाला फ्री इवेंट आएगा ये कौन सा इवेंट देखने को मिल सकता है। तो बता दो गए इसकी पिछले में एक दो गए जहाँ पे अपडेट से देख रहा हूँ कि यहाँ पे BGMI क्या कर रहा है कि जिस दिन गए जहाँ पे फ्री वाला इवेंट आप लोग का एंड होता है उसके 2 से 3 दिन के बाद ही गए जहां पे वापस आप लोग का फ्री इवेंट आ रहा है। पहले गए जहां पे क्या होता था कि जिस दिन गए जहां पे फ्री इवेंट आप लोग का एंड होता था उसी दिन गए जहां पे सुबह में 5:30 बजे फ्री इवेंट मतलब आप लोग वापस आ जाता था कोई दूसरा, लेकिन अभी गए जहां पे मैं देख रहा हूं कि 2-3 दिन का गए जहां पे गैप होने के बाद ही कोई फ्री इवेंट आ रहा है। तो अभी गए जहां पे बात आती कि नेक्स्ट कौन सा फ्री इवेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो बता दूं गाइस कि जैसे कि आप लोग पता हो कि अभी गए जहां पे जो फ्री वाला इवेंट एंड हुआ था ये देख सकते हो गाइस यहां पे जोड कंटेंट करके ये इवेंट आया था जिसमें गाइस यहां पे कुछ आप लोग वोटिंग वगैरह करना था और इससे गाइस यहां पे कुछ परमानेंट के लिए आप लोग को आउटफिट मिल रहा था। तो बता दूं गाइस कि इसी में 2 और ऐसा कैटेगरी है जो कि अभी गाइस यहां पे आना बाकी है, क्योंकि गाइस बता दूं कि इसमें टोटल मिला कि 3 कैटेगरी में गाइस यहां पे आप लोग का पैच नोट वाला जो वीडियो आया था उसमें बताया गया था कि 3 गाइस यहां पे आप लोग कैटेगरी में ये इवेंट आएगा जिसमें एक तो जोड कंटेंट हो गया, दूसरा गाइस यहां पे बता दूं कि एक और इवेंट अभी आप लोग को 1-2 दिन के अंदर देखने को मिलेगा जिसका नाम गए जहां पे होने वाला है फैशन के दीवाने करके।
और जैसे गए जहाँ पे ये जो सेकंड वाला इवेंट आप लोग का एंड हो जाएगा, उसके बाद में तीसरा एक और गए जहाँ पे वोटिंग वाला इवेंट आएगा, जिसका नाम यहाँ पे आप लोग का रहेगा ई स्पोर्ट चेंजर करके। इनकी टोटल मिला के गए जहाँ पे तीन कैटेगरी में आप लोग का ये वोटिंग वाला इवेंट आएगा। तो क्योंकि एक तो गए जहाँ पे आप लोग का इवेंट यहाँ पे एंड हो गया, तो दूसरा गए जहाँ पे हो सकता है कि कल या परसों के आसपास में यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाए, जिसका नाम गए जहाँ पे चांसेस है कि फैशन के दीवाने होगा, या फिर गए जहाँ पे ई स्पोर्ट चेंजर। ये दो में से कोई एक इवेंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर में गए जहाँ पे वही आप लोग का सेम यहाँ पे चांसेस रहेगा कि एक तो आप लोग को परमानेंट के लिए कोई आउटफिट मिल जाएगा कोई ओल्ड वाला, और साथ में यहाँ पे आप लोग को वोटिंग वगैरह करना पड़ेगा, जिससे गए जहाँ पे आप लोग अपने गए जहाँ पे फेवरेट क्रिएटर को यहाँ पे वोट कर सकते हो। हालांकि मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप लोग का इस टाइप का इवेंट आता है तो इसमें पहले आउटफिट आप लोग रिडीम करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसी से गए जहाँ पे आप लोग को फायदा होगा। बाकी इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा बच गया तब जाकर आप लोग अपने फेवरेट क्रिएटर को यहाँ पे वोट कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए गए यही था जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोग बताना था। बाकी इसके लोग गए जहाँ पे कुछ भी डाउट रह गया तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।